संघर्ष खाजी तो समझो को दिखाओ जयकारा बाबे जो भी सहारा बोलो सुधीर स्वामी अपने मोर्चे तोड़े उसको तो घोष मुझे तो घोष मुझे देखा हाँ जी 470 सत्तर जी देख लो आज जी चाहिए तो झूठ तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल कुरुक्षेत्र से यहाँ का पता कैसे बताएगा यूट्यूब से क्या कुछ कहना चाहेंगे सोचा था यूट्यूब पे एक चीज़ आपने देखी थी और यहाँ पर आकर रियलिटी में आपका आज नंबर लग चुका है क्या यहाँ पर किसी को बताया था आपने कि आपके पास इतने पैसे हैं या नोट का नंबर किसी को बताया नहीं बताया क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दरबार के बारे में कि ये वाकई में ही सच्चा दरबार है प्रिंस गुरु जी के बारे में क्या कहना ठीक है और बाबा जी कृपा से आपके घर में बरकत आएगी और बाबा जी की सवारी पूछा लेके फिर जाना सुबह ऐसे मत जाना चौकी थोड़ी मजबूर होगी आप लोगों के लिए चौकी भर रहे हो थोड़ी मजबूर होगी ठीक है जी देश देखिए भाई किसी सोचा था नंबर आज निकलेगा नहीं जी काफी टाइम से साथ तो पहली बार नंबर निकला है पहली बार जी वही बात कर रहे हैं कि पहले मतलब इतने टाइम से साथ है तो पहली बार नंबर निकला है
कुछ बात रखी हुई है मन में, कोई बात होगी गुरुजी से, कुछ करनी होगी तभी नंबर निकला है, आवाज लग गई है गुरुजी के चलने आ रहे हैं। मैंने तुमको बताएंगे ये सच्चाई, मैंने तुमको क्या क्या दिया तो क्या कहा। इनके पास पैसे भी थे किराए के लिए, किराए के लिए पैसे भी थे, चाहिए बताएंगे ब्याह नहीं करेंगे। सारे इकट्ठे को देखा बैठा जी, मैं बहुत घूम चुका हूँ इनका गुरुओं के पास, मुझे पहली बार बख्तियारपुर में आए थे दिल्ली में गुरु जी अपने नवीन भाई के पास, तो मैं मिल गया, इन्होंने मिला इत्तेफाक से, इन्होंने बोला कैसे से गुरु जी आते हैं आप एक बार मिल गए। 7 बजे का टाइम था गुरु जी का, गुरु जी नहीं आए 7 बजे, तो मैंने ड्रिंक कर लिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ड्रिंक कर ली कि अब नहीं आएंगे। गुरु जी आए 9:30 बजे, फिर भी मैं हिम्मत करके चला गया इनके पास, घर पे चला गया। मेरी गुरु जी से बातचीत हुई, मेरा मन नहीं है, मैंने नहीं माना। मेरी काफी गुरु जी से बहस भी हुई कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, दुनिया ऐसी है। कहने लगे बेटा ये तो तेरे को करना पड़ेगा। मैं बोला जी मेरे पास नहीं कुछ भी, मैं नहीं कर सकता। फिर मेरी वाइफ, उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं बुलाऊंगी आपको, मैं बुलाऊंगा, देख ले वही तो मेरे तो मन नहीं टूट रहा। फिर सुबह आप दरबार में आए हो जी, आप सुबह पर्ची या पैसा तो लिया? अरे गुरु जी की करोगे लिया, बल्कि गुरु जी ने तो मेरे को ये बोला था बेटे नहीं है, तो मैं भी जो है एकदम तेरे पास पैसे ऐसे हैं गुरु जी। अभी क्या चमत्कार हुआ? अभी जस्ट अभी जस्ट जो मैं फर्स्ट कोरोना टाइम में एक काम था मेरा, मैं उस काम के लिए मैं बहुत ये आपका यमुनानगर के साथ है विकास नगर, कोंडा साहब से आगे जाएंगे, मैं नाम नहीं जानता गंजे से ना वहां तक मार करिए, बहुत बहुत दूर दूर तक गए बच्चे मेरे, दोनों बच्चे दोनों गुड़िया मेरे टीचर हैं। टीचर मीन्स एक तो कोचिंग देती है, IIT की तैयारी कराती है, मेडिकल की तैयारी कराती है, एक मेरी छोटी गुड़िया है ये स्पेशल गाइड, मेरा नाम विनय, विनय शर्मा। सर एक सवाल जानना चाहेंगे, जी, आपने जी, एक जी, बात बोली कि आपकी काफी बहस हुई गुरुजी के साथ, आपने एक बात बता रहे थे जी, जी, विश्वास नहीं किया आपने उस समय क्योंकि आपने ड्रिंक कर रखी थी जी, विश्वास कैसे बना, क्या कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो गुरुजी पे विश्वास बन गया? ऐसा है जी, देखो मेरा तो उस टाइम भी मन नहीं मान रहा, सुबह जब मेरी वाइफ से बात हुई थी उसने मेरे को तसल्ली, तो मैं किस्सा सुना रहा हूँ आपको। अभी फर्स्ट टाइम कोरोना था तो मैं सूरत में गया हुआ था, मैंने काफ़ी पैसा खराब हो गया था मेरा किसी काम का, कोई डील थी मेरी जो नहीं आ पा रही थी 3 साल से, और अब भी उसी काम के लिए मैं तकरीबन ये छोड़ चुका था उस काम को, मैं 6-7 महीने से फिर लगा हुआ था उसी डील के लिए, नहीं हो पाए। अब भी गुरु जी के आने के बाद भी 15 दिन, हाँ 15 दिन तो हो गए, 10 तारीख को आए, हाँ 10 तारीख जबरदस्ती पकड़ के लाई है। आज वही तो बता रहा हूँ, जो काम मेरा 3 साल में नहीं हो रहा था, आज उस बंदे ने फ्लाइट की टिकट दे दी कि सर आ जाओ सुबह। हाँ एक चीज हो, जैसे मैं बात कर रहा था गुरु जी से बात करते करते गुरु जी ने मेरे को कुछ आशीर्वाद दिया कि ये रख, मैं वो चीज नहीं बताऊंगा क्या रखने के लिए बोला, बोला इसके कई लाख गुना मिलेंगे तेरे को। उसी के बाद उसी टाइम जस्ट उसका फोन आ रहा था,
गुरु जी मेरे को कुछ पैसे दिए कि ये रख ले, पता नहीं मैं अनगिनत है, मैंने गिने भी नहीं गिने। तो वही पैसे देते देते ही बात करते करते गुरु जी गए, उस बंदे का फोन आ गया था। मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि गुरु जी से बात कर रहा था। उसके दो मिस कॉल आई, उसके बाद मैंने बाहर जाकर उसको फोन किया तो उसने बोला सर्टिफिकेट हो गया आपकी कल सूर्य। तो जैसे जगह जगह धक्के खाए थे तो फिर क्या लगा कि यहाँ पर है सच्चा दरबार है? नहीं जी, सच्चा दरबार नहीं है जी, उससे भी बड़ा दरबार है। चलिए बाबा जी के नाम पर एक जयकारा जरूर लगा दे क्योंकि ये लाइव है, पूछा जाता है, उदाहरण है क्योंकि चैनल पर भी लाइव है। बच्चे बोलो आपकी मम्मी।